हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो अभी वेस्टर्न जो देखेंगे मतलब मीडिया है समझिए, तो इसको लेके मतलब एक आर्टिकल आया था, तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे आप देखेंगे जो भारत कनाडा विवाद है तो इस पे जो वेस्टर्न मीडिया है इन्होंने हद ही पार कर दिया। अब आपको देखने को मिलेगा मतलब भारत के यहाँ पे इतनी मतलब समझिए कि आपत्ति जताई जा रही है भारत के प्रति, वहाँ पे गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा रहा है कि भारत पे करा जो है समझिए कि एक्शन लिया जाए, मोदी गवर्नमेंट पे एक्शन लिया जाए, मोदी को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता समझिए कि जैसे मतलब ईरान है, रूस है, सऊदी अरब है, वैसे नहीं छोड़ा जा सकता समझिए कि ये लोग मीडिया को कुछ भी करें मतलब, और ये लोग मतलब दूसरे देशों में अगर किलिंग कराते हैं, जबकि अभी तक आपको देखने को मिलेगा एक भी सबूत ये लोग पेश कर नहीं पाए हैं, सबूत एक भी नहीं है इनके पास। लेकिन अब वहाँ पे मैं आपको 5-6 न्यूज मतलब जो है समझिए मीडिया जो संस्थान है उसके बारे में भी बताऊंगा क्या क्या इन्होंने निज्जर के बारे में बताया है। तो निज्जर को वहाँ पे हीरो बनाने का कोशिश किया जा रहा है और समझिए कि ये जो आतंकवादी था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और फिर कहाँ कहाँ पे देखेंगे इन मीडिया वालों ने मतलब जो समझिए कि एशियन प्रॉब्लम है चाहे डेवलपिंग कंट्री का प्रॉब्लम है तो ये लोग कभी समझिए उसको छापते ही नहीं है। वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो तो पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ बनता है समझिए, और फिर ये लोग कार्रवाई भी करते हैं सभी मिलकर, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमेशा टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं लेकिन उससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो ये एस जयशंकर सर जो हमारे हैं तो एक बार बोला भी था इन्होंने कि यूरोप समझता है कि यूरोप का प्रॉब्लम है तो वो पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है, लेकिन पूरे दुनिया का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। तो यूरोपियन मीडिया है और सबसे पिछलग्गू ये लोग यूएस का बने रहते हैं। तो यूएस ने जैसे वहाँ पे देखेंगे भाषण देता है आके वहाँ पे और ये बोलता है जैसे देखने को मिलेगा आपको कि मतलब इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा, मतलब कि नहीं बरता जाएगा समझिए कि कोई किसी को छूट नहीं दिया जाएगा। ये जो भारत कनाडा विवाद है, जैसे ये जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट में भाषण देते हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की वो यहाँ पे मार रही है सभी को, जो भी खालिस्तानी और जो भी लोग हैं वहाँ पे, मतलब कि जो इंडिया के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हवा दे रहे हैं उसको ये मार रही है। तो वहीं से फिर विवाद बढ़ता है और यूएस आके वहाँ पे बोलता है कि हम यहाँ पे किसी को छूट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही देखेंगे तो वो पूरी तरह से क्या था, वो सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद इन मीडियाओं ने समझिए इतने आर्टिकल निकाले हैं भारत पे, इतने आर्टिकल निकाले हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। पहला नंबर आपको देखने को मिलेगा 5 दिन में मतलब ये समझिए इकोनॉमिक्स टाइम जो न्यूज वहाँ पे है, तो इसने आर्टिकल बहुत सारे निकाले हैं। तो देखेंगे 6-7 आर्टिकल यहाँ पे निकाले हैं और बोला है यहाँ पे अगर मतलब समझिए भारत इसमें संलग्न पाया जाता है तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट है तो इसको सबक सिखाना होगा। तो सबक सिखाने के बाद ये करते हैं समझिए, तुम मतलब सबक सिखाओगे किसी देश के नेता को, और मतलब ये जो समझिए न्यूज वाले हैं चाहे देश हैं समझिए तो इनकी जली है क्योंकि भारत देखेंगे अभी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, बढ़ते जा रहा है। तो ये लोग मतलब समझिए अभी भी वो कॉलोनियल जो माइंडसेट था उसी में ये लोग अभी तक देखेंगे ये लोग भरे पड़े हैं। तो वही ये लोग सोचते हैं कि अभी भी ये लोग सोचते हैं समझिए कि जितने भी कंट्री हैं तो ये गुलामी है इनके। तो ये इकोनॉमिक्स टाइम ने यहाँ पे बोला है कि अगर पाया जाता है तो ये देखेंगे न्यूज अखबार। और फिर अगला जो न्यूज अखबार आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल टाइम यहाँ पे देखेंगे, ये इसने इतने सारे आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किए हैं, उसमें बताया है कि निर्जर जो था समझिए बहुत बड़ा ये नेता था समझिए, और ये बहुत लोगों की मदद करता था, किचन में खुद सफाई करता था, ये सब चीज़ें इसको मतलब यहाँ पे अच्छा दिखाने का कोशिश किया है। लेकिन एक बार भी इसने ये नहीं बताया कि निज्जर जो था तो समझिए एक हिंदू की मर्डर में, फिर देखेंगे एक समझिए कि सिनेमा घर के विस्फोट में, और फिर देखेंगे रवि शर्मा के नाम से ये नाम चेंज करके वहाँ पे जाता है और भारतीय मतलब जो समझिए एजेंसियाँ हैं तो इस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित करती हैं, 10 लाख का इनाम घोषित करती हैं, और ये रवि शर्मा के नाम से देखेंगे वहाँ पे जाता है। लेकिन देखेंगे पहली नंबर में इसको नहीं मिल पाता है जो भी वहाँ की नागरिकता है, तो फिर ये दूसरी बार देखेंगे वहाँ शादी करता है लेकिन फिर भी नागरिकता नहीं मिलती है। और यूएस कनाडा इसको पहले नो फ्लाइंग जोन में इसको रखे थे, इसको ये फ्लाई भी नहीं कर सकता था कहीं पर। तो ये समझिए कि ये था। फिर उसके बाद देखेंगे अब जो वहाँ पे कनाडा के नेता थे उनके सह से इसको वहाँ पे नागरिकता मिलती है। और कुछ दिन पहले आपको ये भी देखने को मिलेगा निज्जर वहाँ पे असॉल्ट राइफल लेके इसके बहुत सारे पोस्ट हुए थे, तो ये सब कोई नहीं दिखाया वहाँ पे, ये सेपरेटिस्ट है भारत के लिए इतना बड़ा टेररिस्ट है तो हमारे लिए टेररिस्ट है उनके लिए समझिए कि ये हो गया। तो ये फाइनेंशियल टाइम ने ये सब लिखा है इसके बारे में, लेकिन ये सब इसने मतलब एक बार भी जितने भी समझिए आर्टिकल मतलब लिखे गए हैं एक बार भी ये सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं। और फिर वॉशिंगटन पोस्ट जो समझिए न्यूज अखबार है तो इसने क्या लिखा है इसमें कि ये समझिए एक शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से ये
जो सिख है उसके होमलैंड की मांग कर रहा था, तो इसने ये लिखा है। देखेंगे ये शांतिपुर था। फिर देखेंगे यूएस जो न्यूज एजेंसी एपी है, तो इसने लिखा था ये एक्टिविस्ट था, मतलब समझिए वहां का प्रोटेस्टर था, मतलब सिख का नेता था, ये सब इसमें बताया गया है, लीडर था जो कि मांग कर रहा था। यही सब लिखा गया है सभी अखबार में, और बीबीसी ने तो यहाँ तक लिख दिया है, देखने को मिलेगा। तो बीबीसी ने भी लिखा है कि बीबीसी अब भारत को मतलब कि नहीं बख्शना चाहिए, यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न कंट्री है यहाँ पे सबको मिलकर भारत को मतलब समझिए जो मोदी गवर्नमेंट है तो इसको सबक सिखानी चाहिए। तो ये सबसे समझिए कि एंटी इंडिया मतलब कैंपेन में ये शामिल रहता है, आपको देखने को मिलेगा। और ये न्यूज एजेंसी को समझिए कि मतलब मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और चीन जैसे देश करते भी हैं, समझिए इनको बड़ा बड़ा फंडिंग जाता है। कभी भी आप देखेंगे तो बीबीसी चीन के अगेंस्ट में कभी नहीं बोलता। एक मैंने वीडियो देखा था, समझिए पोस्ट हुआ था चीन के अगेंस्ट में, और फिर मैंने उसको कल देखा तो समझिए वो वीडियो तक हटा दिया गया था। ये मतलब प्रभाव होता है, समझिए उसमें बताया गया था कि भारत मतलब ज्यादातर स्ट्रेटेजिकली जो समझिए कि बहुत ज्यादा भारत में है अगर चीन से युद्ध होता है, तो ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिन में उसको हटा दिया गया था। तो ये सब आप देख सकते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करना ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं न्यूज वालों पे। तो मतलब इसमें ये जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले स्टेटमेंट बताया, तो ये बीबीसी का ही था कि जहाँ पे भारत को छूट नहीं दी जा सकती ईरान जैसा, सऊदी जैसा, और फिर जो रूस है वैसा कि ये मनमानी कर सके। और इन्होंने ये नहीं बताया कि जो ये काम है तो बस यूएस ही कर सकता है, इजराइल ही कर सकता है, ये सब इस पे ये बात नहीं बताया गया। क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा देर पहले ईरानी जो जनरल था सुलेमानी करके नाम था, तो उसको मारा इसने, फिर देखेंगे उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा। और ये वेस्टर्न मतलब मीडिया का समझिए कि यहाँ पे दोहरा रूप आप देख सकते हैं। ईरान में इराक में आपको देखने को मिलेगा, बस केमिकल वेपन होने का बस अनुमान था, और ये मीडिया वाले ने ही अनुमान लगाया था। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि अब जाके वॉर करके उसको बर्बाद करना चाहिए जितने भी वेपन है, और वहाँ पे लाखों मासूमों की जान गई थी देखेंगे इराक में। तो ये यहाँ पे ऐसा इनका मीडिया वाले का रूप होता है, ये सीधे बता सकते हैं। फिर देखेंगे यूएस को ही मन है वियतनाम वॉर करे, किसी के देश में घुस के, फिर देखेंगे अफगानिस्तान में घुस के उतने लोगों को मारे, और जब देखे कि पाँव मेरा फंस गया है उसमें और खुद हम मरने लगे हैं तो वहाँ पे दम दबा के भाग जाए। ये सब काम यही कर सकते हैं, कोरियन वॉर में घुसे, कहीं घुस जाए, कहीं भी देखेंगे पूरी तरह से गल्फ वॉर में देखेंगे यूएन से सर्टिफिकेट लेके जाता है और जाता है वहां पे पूरी तरह से देखेंगे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करके आता है ये लोग पूरे वेस्टर्न कंट्री, तो वहां पे ये फिर मासूमों की जान जाती है तो ये सब कुछ नहीं रहता। वहां पे देखेंगे इनके यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है, तो टेररिज्म बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमारे यहाँ पे टेररिज्म है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये सब देखेंगे दोहरा रूप यहाँ पे। तो जो ग्लोबल टाइम आप देखेंगे चीनी समझिए कि न्यूज एजेंसी है, तो वो इससे भी बदतर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न मीडिया होती है। और मीडिया तो होती है, और हमारे यहाँ भी वैसी मीडिया है, कुछ देखेंगे मीडिया है जो समझिए एंटी गवर्नमेंट ही अपना बना के ही चली है, एक भी मतलब समझिए कि प्रो न्यूज दे ही नहीं सकती है कि कोई प्लस पॉइंट हो सकता है सरकार में। तो और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि देखेंगे बहुत बड़े बड़े नाम बना के बैठे हैं और बिल्कुल एंटी इंडिया देखेंगे न्यूज देंगे, एंटी गवर्नमेंट न्यूज देंगे, यही देंगे, और पूरा लोग उनको मतलब करोड़ों में देखेंगे व्यू और फॉलोअर, तो ये सब चलते हैं। तो समझिए ऐसा मतलब इन्फ्लुएंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझिए। तो ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़े बड़े जो देश हैं वो इनसे माइंडसेट बदलने का कोशिश करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा चीन बहुत ज्यादा फंडिंग करता है भारत के अगेंस्ट में, न्यूज फैलाओ चाहे ये सब करो। न्यूयॉर्क टाइम है समझिए न्यूज एजेंसी, वो उसने फिर वहां पे लिखा है एक्टिविस्ट है समझिए ये जो है, और इसको मारना फिर भारत को सबक सिखानी चाहिए, ये सब इसमें लिखा है। लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं बताया कि कुछ दिन पहले जो ये खालिस्तानी थे समझिए मंदिरों को तोड़ रहे हैं वहाँ पे खालिस्तान जाके लिख दे रहे हैं, जो हमारे राजनयिक हैं उनको मारने की धमकी दी जा रही है, हमारे झंडे देखेंगे लंदन में उतार दिए गए थे, इन सबको लेके एक भी आर्टिकल ये लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन इन सब के आगे देखेंगे आर्टिकल की इन लोगों की भरमार हो गई है, और बिल्कुल देखेंगे और ये मतलब सीधे तर बोल रहे हैं यहाँ पे कि भारत को सबक सिखाया जाए। और ये चीरे क्यों है तो समझिए, देखिए अब हमारे एक एक मुद्दे में ये लोग टांगा रहते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा 370 हटाया गया, तो ये पूरा मीडिया देखेंगे एक साथ हो गया था वेस्टर्न मीडिया की कैसे हटा सकता है। फिर देखेंगे रूस यूक्रेन में हम तटस्थ थे समझिए कि किसी के तरफ नहीं थे, फिर इनको वहाँ पे मतलब कि जलन हुई कि क्यों है एक तरफ समझिए, उस पे हजारों आर्टिकल पेश कर दिया इन्होंने कि भारत को यहाँ पे कुछ मैसेज देना चाहिए समझिए ये वो, कि क्यों मतलब पश्चिमी देश का मदद नहीं कर रहा है, वहाँ पे हम ऑयल खरीद रहे थे रूस से सस्ते, उस पे इन्होंने हजारों आर्टिकल लिख दिए कि ये पूरी तरह से पैसा जो है ये समझिए इंडिया फंडिंग कर रहा है। जब कोविड आया तो इनको समझिए कि देखेंगे यूएस में और जितने वेस्टर्न कंट्री थे उसमें इतने ज़्यादा मौत हो रहे थे, लेकिन एक बार भी ये नहीं बता रहे थे इनको कहाँ पे देख रही थी मौतें दिख रही थी, तो इंडिया में दिख रही थी बस वहाँ पे कि जलाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा था वहाँ पे कि समझिए कि जो समझिए कि एक साथ में
दफनाने तक को जगह वहां पे नहीं बचा था। तो ये सब ये लोग नहीं छापा रहे थे, बस इंडिया पे इनका पूरी तरह से फोकस था कि इंडिया में लोगों का मतलब लाश बिछ गए हैं। लेकिन वहां पे ये नहीं देख रहे थे कि यूएस में कैसा हाल था पूरा वहां पे कोविड की वजह से, जबकि विकसित देश थे ये, पूरी तरह से इनकी जो समझिए व्यवस्था, जो मेडिकल सेक्टर था पूरी तरह से वहां पे समझिए फेल हो गया था। तो ये सब ये लोग नहीं देखा है, लेकिन भारत में वहां पे दिख रहा था कि वहां पे लोग जो है कीड़े मकोड़े जैसे मर रहे हैं, ये सब इन्होंने छापना है। तो ये समझिए एंटी जो गवर्नमेंट मतलब एंटी और फिर देखेंगे इंडिया ये कैंपेन में ये लोग शामिल रहते हैं न्यूज वाले, और न्यूज वाले को मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है जो मैंने बताया।